शेर है ये लड़का। मैंने कहा नहीं भाई, एमपी का देसी लौंडा है। हम इंडियन कहीं पे भी चले ना, कच्छे टी शर्ट बनियाने ये हमारी टंगी मिलेंगी, चाहे फाइव स्टार में चले जाओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार। और खुशी देख रहे हो, 3:35 हो चुके हैं सुबह के। मैं थोड़ा सा धीरे बात कर रहा हूँ वरना सब उठ जाएंगे, सब सो रहे हैं। और 3 बजे वैसे तो निकलना था मगर 3 बजे आँख नहीं खुल पाई। नहा धो के एकदम तैयार, लगेज में बांध के आ चुका हूँ। लगेज कौन सा लेके जा रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा लगेज में चेंज है क्योंकि डर्ट सैक को कैरी करना था इस बार, जो मैंने आपको दिखाया था 2 दिन पहले, आई मीन टू से लास्ट व्लॉग में, मगर उसको कैरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सामान चाहिए भाई। 72 लीटर्स का है, उसमें ईंट पत्थर मेरे को डालने पड़ते, सामान है कम। तो हम अपना रॉयल इनफील्ड का छोटा वाला बैग कैरी कर रहे हैं, उसमें अपना सफिशेंट सामान आ गया 3-4 दिन का। और जल्दी से निकलते हैं, हमारे एक प्रिय मित्र हमको ज्वाइन करेंगे बीच ट्रिप में। वो कौन है वो आपको पता लगेगा थोड़ी देर में, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं नीचे क्योंकि गर्मी हो रही है और बस कमाल होने वाला है शुरू। चलो भैया चलो, कौन सा गेट खोलेंगे हमारे लिए? खुला है पहले ही। चलो बाइक तो यहाँ से निकल जाएगी। गुड नाइट सर जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वाइजर डाउन, ओए होए होए, मज़ा आ गया। इस टाइम निकलने का अपना अलग ही मज़ा है। हालांकि मैंने फ्यूल अप कराना है मगर ये काम मैं शाम को भी करा सकता था कल। मगर यार कहीं चले गए थे तो इसलिए टाइम नहीं मिला, बहुत लेट आया वहाँ से। फ्यूल अप मैं मोस्टली सुबह कराता हूँ, वैसे एक रात पहले करा लेना चाहिए। चलो जी, मज़े में कटनी चाहिए आज वाली ट्रिप। बहुत ही लाइट फील हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि लगेज हमारे पास है बहुत ज़्यादा कम, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया भैया हमारा आज का लगेज सेटअप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। छोटा वाला बैग, इसमें 3 दिन के कपड़े आ गए, सारा सामान आ गया और 2-3 चीज़ें मैंने इसमें भी डाल दी। और देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सेटअप लग रहा है, एकदम एस्थेटिकली वेरी नाइस। अब हम चलते हैं यहाँ से, बाइक एकदम शाइन करती हुई कितनी सही लगती है ना। और ये वाले जो मैंने आपको हेक्सा पॉड दिखाए थे, इसके थ्रू बैग बिल्कुल सही। और ये देखो, ये अपना जुगाड़ बैग के लिए भी बना लिया मैंने। अपना जुगाड़ तो आदमी बना ही लेता है हमेशा, क्यों है ना। 732 रुपये का पेट्रोल आया है हमारा और अब हम निकलते हैं यहाँ से। और एक चीज़ आपको अभी बताता हूँ, एक मिनट। मेरे को भाई बड़ी खुशी होती है जब मैं यमुना एक्सप्रेसवे से निकलता हूँ, और आज मैं निकलूँगा यमुना एक्सप्रेसवे से ही क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास लगता है। तो यहीं से सीधा चढ़ जाओ एकदम एक्सप्रेसवे पे। और अब हम आपको बता देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बनारस, यस। और बहुत टाइम से मुझे यार मतलब यहाँ पे जाना था, बहुत मूवीज़ में और टीवी में देखा है बनारस के बारे में, मगर कभी भी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हम लोगों का ध्यान हमेशा टू बी वेरी ऑनेस्ट पहाड़ों की तरफ ही रहता है। मगर यार इस बार हमने सोचा कि पहाड़ों से हट के थोड़ा सा अलग कहीं पे जाते हैं। मतलब पहाड़ों पे तो जाएंगे ही जाएंगे मगर ये सब चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी ज़रूरी हैं क्योंकि यार हमारा कल्चर इतना वास्ट है ना, आप जितना उसको जानोगे उतना कम है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो ये वाला जो ट्रिप है वो थोड़ा सा अपने कल्चर को इस व्लॉग में जानेंगे, मतलब इस सीरीज़ में जानेंगे और देखते हैं जो भी होगा मज़ा आएगा। टेम्परेचर हालांकि बहुत ज़्यादा है वाराणसी में और हमें पता है कि हमारी वाट लगने वाली है, मगर हमने टाइमिंग्स कुछ ऐसे चूज़ करे हैं राइडिंग के और घूमने के वहाँ पे, तो होपफुली उसके हिसाब से हमें थोड़ी सी कम दिक्कत होगी। मेरे से रहा नहीं गया यार, रुके भी ना, सामने से सनराइज़ हो रहा। सनराइज़ होते हुए यार मतलब कहते हैं कि आप देखो ना तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता। देखो धीरे धीरे सूरज नीचे से निकल रहा है और ये सारी की सारी जो लाइट है कितनी अच्छी लग रही है यार, वाह। अभी मेरे देखते देखते इतना निकला है, वरना जब मैं रुका था ना बिल्कुल इतना सा निकला था। और आप एक टुक नज़र लगा के देखते रहोगे ना तो आपको ऐसे पता नहीं लगेगा कि निकल रहा है। आप थोड़ा सा आँख इधर उधर करो, इतने में ही पूरा ऊपर आ जाएगा। वाह यार बहुत ही बढ़िया शानदार। और यशवंत भाई से हमारी बात हुई है, वो कवर कर चुके हैं 40 किलोमीटर्स,
तो हम लोग शायद एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। और ये खाने पीने के पोस्टर यार बीच में ना ख़राब है, ये इनको देख के और भूख लग पड़ती है यार, और स्पेशली बंदा कुछ खा के ना निकला हो तो। यार आज मौसम थोड़ा बादल वाला ही रहे तो मज़ा आ जाएगा, क्लाउडी रहे अगर, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं गया था ना नेपाल, अगर आप लोगों ने बोला पहले दिन वाला फर्स्ट व्लॉग अगर देखा हो तो, उसमें यार ऐसा ही वेदर हो गया था यमुना एक्सप्रेस वे, और क्या मज़ा आया था। अमित भाई और मैं इतने मज़े लगाते हुए गए थे ना, हालांकि शाम को लखनऊ पहुँचते पहुँचते बारिश हो गई थी, और उसके बाद हमने वहाँ पर जो कबाब खाए थे, मज़ा आ गया था। तो भाई साहब हम चढ़ चुके हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, सीधा जाने के बजाय हमने लिया लेफ्ट, और ये रास्ता जाएगा सीधा लखनऊ होते हुए, और देखते हैं लखनऊ कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी नेक्स्ट कहीं पे भी स्टॉप आएगा जहाँ पे मेरे को रुकना है वहाँ पे, वहाँ मैं वेट करूँगा यशवंत की। यशवंत को लगेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट पहुँचने में, मतलब लगभग हम दोनों एक ही टाइम के आसपास ही पहुँचेंगे। मौसम कुल मिला के बहुत शानदार है अभी तो, बाकी आगे का फोरकास्ट जैसे होगा आपको बताते रहेंगे। टेम्परेचर ऐसा रहे तो अच्छा है, मतलब 30 तक भी रहे ना, 30-35 भी ठीक है, वो 35 से ऊपर जाता है ना तब होगी हालत ख़राब, मगर तब तक तो हम पहुंच जाएंगे। तो हमने ये सोचा है कि भाई 12 बजे तक बाइक चलाएंगे, 11:30-12 तक, उसके बाद कहीं करेंगे रेस्ट। अगर हमने कंटिन्यू करनी हुई राइड तो हम शाम को 5 बजे से फिर कंटिन्यू करेंगे, वरना आज स्टे कर लेंगे। जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, फिलहाल सफ़र का मज़ा चालू रहना चाहिए। आ गए आ गए भाई, बहुत वेट कराया अब आएगा मज़ा जरा। भाई साहब अकेला चल रहा हूँ इतनी देर से, गाने चलाने के बावजूद भी मुझे नींद कैसे झरोके आ रहे थे ना। मैनपुरी भाई भूख लग रही है अभी, कहीं अभी आने वाला है कुछ आगे खाने का पॉइंट, वहाँ पे रुकते हैं जरा पेट में कुछ डालें पेट्रोल, इसमें तो ये तो पी चुकी है और हम भूखे हैं। और फाइनली कुछ खाने की जगह आई है, फूड किंग प्लाजा, फूड किंग प्लाजा। भाई अब बाइक हल्की सी हुई है ना, स्पीड हल्की हुई है तो अब पता लगा गर्मी का वो लगा एकदम थप्पड़ मुंह पे। यार नेपाल जाते हुए भी अमित भाई मैं रुके थे रात को, रात हो गई थी, छाया में लगाते हैं, छाया तो भाई यहीं है, थोड़ी सी छाया यहीं पे है। तो भाई यहाँ बैठ गए हम खाने के लिए, और यशवंत लाया घर से, पहले हाय कर दो। और फिर पिछली बार मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई तुम रशियन लेके घूम रहे हो, मैं कह रहे रशियन है लड़का मैंने कहा नहीं भाई एमपी का देसी लौंडा है, चंबल पराठे आलू की सब्जी, और हमने एक बोतल ले ली लिमोनाटा। यहाँ पे हमने पहन लिया चश्मा क्योंकि आँखें सूज रही हैं अभी, क्योंकि रात को मैं सोया नहीं भाई बिल्कुल भी। और अब यहाँ से खाने के बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। लखनऊ देखो मेरा तो मन है, मगर यशवंत मना कर रहा है क्योंकि लखनऊ रह गया यहाँ से 200 किलोमीटर, उसके आगे 293 और बनारस, तो कोशिश कर सकते हैं वैसे, है ना, क्या बोलते हो? बनारस ही पहुँचेगी गाड़ी आज। चलो पहले खाने पे टूट पड़ते हैं क्योंकि भाई इसकी डाइट तगड़ी है ये, वरना सारे खरब ख़त्म कर देगा। चलो जी खाना पीना हो गया और फ्यूल अप मेरे को तो नहीं कराना, यशवंत को कराना है। चलो मस्त ठंडे में बैठे थे अंदर हैं, जैकेट जुकेट उतार के एकदम धूप आ गई, अंदर थे ना तो अंदर से मतलब हमने बाहर देखा खिड़की में से तो बढ़िया प्लेजेंट सा हो गया था, एकदम बादल बादल से हो गए, हम हो गए खुश, मगर हमारी खुशी खाली 2 पल की थी भाई, 2 पल में खुशी गायब। अब जान में जान आई भैया, थोड़ी सी ठंडी हवा लगी है, वेंट मैंने खोल लिए हैं सामने वाले ये, ओह हाँ मज़ेदार एकदम।
बस वही है भाई, चलते रहो तो सही है, जा रुके हालत ख़राब। भाई साहब अभी टाइम मेरे ख्याल से फ़ोन मैंने अंदर रख लिया, क्योंकि ना पता क्या होता है, हर बार मेरा फ़ोन जो है ना सैमसंग के फ़ोन हीट हो जाते हैं जैसे ज़्यादा धूप में, ओवर हीट होके ठप एकदम बंद, तो फ़ोन मैंने अंदर डाल लिया। मगर टाइम मेरे ख्याल से 9:30 के आसपास हो रहा होगा और टेम्परेचर ना ना करके भी कम से कम 35 डिग्री इस टाइम है, और ये 42-43 क्रॉस करेगा। तो भैया देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मौसम देख के आना चाहिए था, भाई गर्मी है तो गर्मी है, मई जून के महीने में आप क्या लोगे। और हमें पता था गर्मी है, हम आए हैं क्योंकि है हमें आदत तीर लेने की। बस देखो यार वही है, मजाक की बात है अपनी जगह, बात यह है कि देखो एक राइडिंग का जो मतलब एक पैशन होता है ना, उसमें आपको कोई मौसम वगैरह कुछ नहीं दिखता, गर्मी है, सर्दी है, स्नोफॉल है। तो देखो यार अब राइडिंग सीज़न हमारे यहाँ बचते कितने हैं, अक्टूबर के बाद से शुरू होता है 1-2 महीने, फिर एकदम बर्फ़ पड़ जाती है, पहाड़ों में रास्ते बंद, ये बंद वो बंद, कहीं नहीं जा सकते, उसके बाद 2-3 जगह प्लेन्स में बची हैं, तो ऐसे तो आदमी घर पर बैठा रह जाएगा, तो हिम्मत करनी पड़ती है भाई थोड़ी बहुत तो, और हम हिम्मत नहीं करेंगे तो आपको जगह कौन दिखाएगा। चलो भैया फाइनली लखनऊ दिखा, यहाँ पे दिख तो पीछे भी गया था मगर यहाँ से बहुत ही कम रह गया मेरे ख्याल से, 5-6 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। और भाई इतनी गर्मी में राइड करना इतना आसान नहीं है, सच बता रहा हूँ। बस हम तो ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि हमको थोड़ी ताकत और दे ताकि पहुँच जाए आराम से। और अभी टेम्परेचर हमने चेक करा पीछे, 2 मिनट के लिए टोल प्लाजा पर रुके थे जब, तो टेम्परेचर यहाँ पे 46 है जहाँ पे हमने अपने फ़ोन में चेक करा, 46 डिग्री में हम लोग इंटरसेप्टर पर राइड कर रहे हैं, जो कि एकदम गर्म हो चुकी है बुरे तरीके से, नीचे हीट फील हो रही है बहुत ज़्यादा, मगर जो हमने वो RLZ के गार्ड लगा रखे हैं ना, वहाँ से अभी बिल्कुल भी हॉट एयर नहीं लग रही है, मगर जो जहाँ राइडिंग शूज़ हैं वहाँ पर गर्म हवा ज़रूर लग रही है भाई, और इतनी ज़्यादा लग रही है कि कहने की हद नहीं है। तो भाई मेरे ख्याल से सिटी में हम एंटर कर चुके हैं, जो आउटर है ना, आउटर में एंटर कर चुके हैं, तावड़ तोड़ गर्मी हो रही है भैया जी। यशवंत भी कहेगा भाई कहाँ फंसा दिया तुमने। अब भैया देखो अंधे से दोस्ती करिए तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। भैया फाइनली रूम मिल गया, और जो गर्मी में हम पिदे हैं ना, मतलब पिछले 15-20 मिनट में, पहले हम एक होटल में घुस गए, वहाँ का जो प्राइस दिखा रहा था भाई, जैसे ही रिसेप्शन में पहुँचे उस बंदे ने बोला अच्छा इतने में दिख रहा था, पता नहीं कंप्यूटर में क्या कट 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 करा, एकदम डबल, सर रूम सोल्ड आउट, डबल भी नहीं, डबल से भी ज़्यादा, 7,500 भाई पता नहीं क्या कर दिया, और पता नहीं कितने का आ रहा था, 1535 का शो हो रहा था, 3500 शो हो रहा था, और सीधा 7,500 पार। उसके बाद हम आए और जितना हमें पहले वहाँ 35 में हो रहा था उससे भी मतलब लगभग कितने में बढ़ गया ये वाला, अपन को ये पड़ा है 2019 रुपीज़, 2019 रुपये तो बढ़िया यार, दो जनों का काफ़ी मतलब बढ़िया रूम है, एक मतलब 3-स्टार होटल है ये, और कुछ ऐसा रूम है, टीवी वगैरह है, सब चीज़ें हैं। हाँ जी आ जाओ भैया आ जाओ। हाय मैं हूँ नितिन शर्मा। नितिन शर्मा, हाँ जी, ग्रैंड रेडियंट से। हाँ, और मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। हिमाचल में कहाँ से है नितिन भाई? मैं सर पालमपुर से हूँ। अरे पालमपुर से, बहुत बढ़िया जगह है। मेरा दोस्त है सुमित डोगरा, एक पालमपुर का। अच्छा, डोगरा होते हैं ना उधर? हाँ हाँ, डोगरी बहुत होते हैं। डोगरा है मेरा दोस्त वहाँ का। अच्छा, आपका होटल में आए हम, बढ़िया लग रहा। अच्छा, कहाँ से हैं सर? मैं नोएडा से, ये भैया एमपी से। अच्छा, आप एमपी से? मैं ग्वालियर। चंबल से हैं? चंबल का हर एक इंसान देख रहे हो, सेहत नहीं देख रहे, सेहत नहीं देख रहे हो चंबल की। मैं कह रहा हूँ चंबल का हर एक इंसान टाकू थोड़ी होता है क्या जी। हाँ अच्छा, ये कैमरा बड़ा जबरदस्त है। कैमरा भैया छोटा कैमरा है, पॉकेट में आ जाता है। अच्छा, हाँ तो अभी आप स्टे करेंगे ना काफी दिन? नहीं काफी दिन नहीं, हम कल निकल जाएंगे, हम बनारस जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ दर्शन करने हमने। अच्छा, थैंक यू भैया। वेलकम सर।
भैया एकदम फ्रेंडली हो गए, बढ़िया भाई, सही रहता है भाई। लखनऊ के लोग ऐसे होते हैं भाई, अभी कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में, एकदम तुरंत एक्टिव। आजकल सारे भाई सोशल मीडिया एकदम रेडी हैं लोग, एक्टिव मोड एकदम होता है, बटन दबाया एकदम तैयार। मगर यार अच्छा लगा, देखो पता है उससे तो अच्छा है भाई कि मिक्सअप नहीं हो रहा या कुछ नखरे दिखा रहा है बंदा, है ना, अच्छा है, जलप हो रहा है भाई हमारे साथ, जैसलमेर वाला। हाँ सर भाई अलग अलग एक जगह जाते हैं तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हर जगह का नया एक्सपीरियंस, और यही ट्रैवल का एक पार्ट होता है यार मेरे हिसाब से। तो मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह में गए छू के वापस हो गए, उस दौरान आपके साथ जो चीज़ें भी हो रही है ना, आप जहाँ रह रहे हो, रोड पे चल रहे हो, कहीं पे विजिट करने जा रहे हो, कहीं खा रहे हो, सारी चीज़ें एक मेमोरी बन के रह जाती है। तो जैसलमेर की भी हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज है। अब शाम को यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा मार्केट में चलेंगे जो लखनऊ का बहुत ही बिजी एरिया कहलाता है, वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे और आपको दिखाएंगे। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा नॉनवेज तो ओनली नॉनवेज तो भाई लास्ट टाइम हम बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाए, रीज़न ये था कि हम बहुत लेट हो गए थे अमित भाई और मैं, मगर आज हम दोपहर तक पहुँच चुके हैं यहाँ पे, 2 बज रहे होंगे शायद, 2 के आसपास टाइम हो रहा है, तो अभी 1-2 घंटे रेस्ट करके आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, जुड़े रहिएगा ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है शाम को। भैया ये हैं लखनऊ की फेमस गलियां, तो भाई और कहां की तरफ जा रहे हो? गली अपने टुंडे कबाबी की तरफ, टुंडे कबाबी यहां, और टुंडे कबाबी न गए तो मतलब लखनऊ क्या ही है आप। ये हम निकले सीधा टुंडे कबाबी के सामने, तो भैया सिंस 1905 आ गए हैं हमारे लोकेशन पे। ईटिंग पॉइंट अमीनाबाद, ये अमीनाबाद जगह पड़ती है मेरे ख्याल से, जो एरिया है शायद ये अमीनाबाद है। मेल्ट इन माउथ कबाब्स, अलीगंज, दुबागा, लुलु मॉल। अच्छा लुलु मॉल के बारे में भी बहुत सुना है भाई मैंने अभी। अभी कबाब खत्म हुआ और
और ये दूसरा कबाब आ गया, सीख कबाब आ गया, गलौटी खत्म हुआ, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसके बाद क्या ऑर्डर करना है? मटन कोरमा, शीरमाल, कोरमा, उसके बाद शीरमाल। भाई सुबह उठ के जल्दी निकलना भी है, दिक्कत नहीं है। लखनऊ आए और नॉन वेज नहीं खाए? लिया हमने, अब थोड़ी सी जरा वॉक हो जाए तो थोड़ा सा खाना भी हजम हो जाएगा। वॉक के बाद हम पियेंगे जरा सी लस्सी, यहाँ पे एक है बाबा लस्सी, किसी ने बताया, तो हम बाबा लस्सी ढूंढते फिर रहे हैं क्योंकि हमें आधा घंटा हो चुका है खाए हुए, खाना हो गया अच्छी तरीके से हजम, लस्सी पियेंगे, होटल चलेंगे और उसके बाद एकदम टापो टाप हम सो जाएंगे क्योंकि हमें निकलना है सुबह 3 बजे, 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से बनारस, और बनारस जाके यार हमारा एक ऐसा प्लान है, मतलब हमने पहले ज़्यादा कभी एक्सप्लोर इस तरीके से सिटीज़ वगैरह नहीं करी, तो बनारस की मतलब पुरानी सिटी और पुरानी गलियों में घूमेंगे आपके साथ कल। चलो जी, बाबा लस्सी आ गया, बाबा लस्सी, आई लव बाबा, एकदम बेहतरीन। आप पियोगे? देख शर्मा आ गया लड़का ही है। क्या नाम है भाई तेरा? हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हमजा। हमजा, और आज का शर्मा रहा है तो नाम ही नहीं बता रहा अपना। अरे 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 भाई, भाई तो निकल लिया। नहीं नहीं देगा तो क्या? दो लस्सी लगा दो भैया, बढ़िया सी एकदम। 40 वाली लगा दे, 50 वाली में और उसमें क्या अंतर है? बस साइज का फर्क है। अरे कुल्लड़ में दे, कुल्लड़ में, कुल्लड़ में। ये अच्छा, ये है बाबा लस्सी का कमाल है, ऐसे बनती है। अच्छा ये बना के रखी भी है इसमें, बड़ी गाड़ी, गाड़ी देखो कितनी है भाई, ये आई, फिर ये ऊपर से डालेगा इसमें मलाई, ये आई मलाई। भाई साहब लस्सी बहुत पी है मगर अच्छी बनाई है भाई, बढ़िया एकदम, बढ़ा के दिया उन्हें मलाई, मेरे को मलाई बहुत बेहतरीन लगी। भाई ऐसी लस्सी मिलती है हमारे सहारनपुर में एक जगह पे अभी तक। जवाब नहीं है लस्सी का, जवाब नहीं भाई। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, सुबह नाश्ते में पी जाए भाई, मज़ा आ जाएगा सुबह सुबह लस्सी पी के ना, एकदम मोटरसाइकिल राइड एकदम फैले बड़े दोनों के दोनों, पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ तक, रास्ते में सोना पड़ेगा। भाई हम इंडियन कहीं पे चले जाएं, हम कपड़े टांगना नहीं भूलेंगे। देखो ये टी शर्ट कहाँ टंगी हुई है टीवी के ऊपर। किसकी टी शर्ट है भाई? वो तुम्हारी? भाई ये टी शर्ट तो उतार दो वहां से। अच्छा अंडरवेयर नहीं लटका रखा। यशवंत भाई गुड न्यूज है, बुकिंग हो गई हमारी कल की बनारस में। Okay. और इस बुकिंग में हमारी हेल्प करी है दिव्या भाई ने फ्रॉम डीएम ऑट्स। दिव्या भाई थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आउट। एक मतलब राहत हो गई कि भाई कल जाएंगे और ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी। आज हमारी बड़ी पिद्दी हुई है, मगर यार ये सही रहता है पता है, आके देखो, क्योंकि ना मेरा पिछले साल 2-3 बार कटाया बड़ा तगड़े वाला, गए पिक्चर में देखा मेक माई ट्रिप पे बड़ा अच्छा दिख रहा है, और गए तो भाई साहब कुछ भी नहीं। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ जाके एक बार देख लें, उसके बाद जो टैरिफ वगैरह वो डिस्कस करके अपना स्टे करो। बाकी दिव्या भाई हैं, उनके जो नेफ्यू हैं उनके होम स्टे और हॉस्टल दोनों हैं बनारस में, तो वहाँ हम कल जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। उन्होंने मुझे भी पिक्चर्स भेजी यार, मतलब सच अमेजिंग पिक्चर्स, मज़ा आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, और वहाँ से काफ़ी चीज़ें हमको आसपास ही मिल जाएंगी, मतलब हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। और कल करेंगे मस्ती में हम लोग एक्सप्लोर बनारस को, और आपको दिखाएंगे शाम की जो आरती है वो सारी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई उसको लेके, क्योंकि मैंने आज तक वो सिर्फ टीवी पे ही देखा है, असली में कल हम उसको एकदम सामने से देखेंगे मज़े में। और अभी टाइम हो गया भैया 10। यशवंत की जिद है कि टीवी चलाया जाए, मगर टीवी हम नहीं चलाते। टीवी पे तुमने टांग रखी है भाई यशवंत टी शर्ट। हम इंडियन कहीं पे भी चले जाए, कच्छे टी शर्ट बनियाने ये हमारी टंगी मिलेंगी, चाहे 5 स्टार में चले जाओ।
भैया जोक सपाट, सो रहे हैं अब हम लोग, और खाना इतना खा लिया, मतलब पहले ये फिर वो लास्ट में लस्सी, फिर पता आते हुए हमने पपीता भी खा लिया एक जगह पे ताकि पेट एकदम सफा हो जाए। अब सुबह होगा सफा, ठीक है जी, सुबह मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ से अपना बनारस तक का सफ़र है जो 5 घंटे लगेंगे, और ठंडे ठंडे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 3 से 5, 8 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो सुबह मिलते हैं आपसे। वीडियो अगर आज का पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कर देना, बहुत मेहनत लगी है। और आज आई थिंक आज का व्लॉग बड़ा मस्त बना है, स्पेशली जो शाम वाला था ना, वी रियली एंजॉयड इट। ठीक है जी, यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।